जय शिंदे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये जो टॉप की कटिंग की थी, तो फ्रेंड्स इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। तो आइए चलिए आज हम यहाँ पर स्टिचिंग करते हैं इस वाली टॉप की। मैंने यहाँ पर सबसे पहले 21 इंच लेंथ में और 9 इंच जो विड्थ है उसमें मैंने दो फैब्रिक कट किए हैं, क्योंकि इसका हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे और जो गले के दोनों साइडों में हम इसको लगाने वाले हैं, और उसको आप अलग अलग तरह से लगा सकते हैं डिज़ाइन के तौर पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह से हमने इसको उल्टा किया है और इसको हमको सिल लेना है। ऊपर से नीचे तक हम इनको इस तरह से सिलेंगे और ये हमारी सिलाई कम्प्लीट हो जाएगी। इसके अब हमने यहाँ पर एक जो पीस कट किया है और यहाँ पर इसको आगे वाला जो गले की कटिंग की है उसके नीचे रख के हम इसको इस तरह से सिल लेंगे। और यहाँ पर ये सिलाई भी हमने कर ली है और अब इसकी हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से कट के हम निकाल देते हैं इसको, और यहाँ पर इसमें हम ये जो हमारा कॉर्नर्स हैं इनको काट देते हैं। और अब हम इसको सीधा करेंगे, तो पिन हमने निकाल ली है और इसको इस तरह से पकड़ते हुए हम यहाँ पर हाथ से या फिर आप कोई नुकीली चीज़ ले सकते हैं उससे हम इसको सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर इसमें फिनिशिंग के लिए हम पहले इसमें पिनअप कर लेंगे ताकि ऊपर नीचे ना हो हमारा फैब्रिक, तो यहाँ पर सारे में हम पिन लगा लेंगे इस तरह से। अब देखिए, पिन हमने लगा ली हैं और इनको हम यहाँ पर किनारी किनारी पर सिलाई करेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो ऊपर की साइड में गुलाई वाली सिलाई है ये ऑप्शनल है, बट यहाँ पर नीचे जो कट है इसके राउंड अप आपको सिलाई करनी है, क्योंकि ऊपर वाली जो सिलाई है वो हमारी जो कॉलर लगाएंगे उसके अंदर ही आएगी। तो इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पर सारे पर सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पर ये जो सिलाई लगाने के बाद में पिनों को निकाल देंगे, और अगर आप चाहें तो नीचे वाली साइड है जो इसकी उसमें आप तुरपाई या सिलाई कर सकते हैं, और ना करना चाहें तो ऐसे ही रख सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मार्केट वाली जो टॉप वगैरह होती है उनमें सिलाई नहीं होती है। और फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर जो हमने दो पीस कट किए थे इनको हम यहाँ पर अटैच करेंगे पहले। तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने इसको इस तरह से थोड़ा मोड़ लिया है क्योंकि हमें दोनों साइड में सिलाई के लिए जगह रखनी है, और यहाँ पर मोड़ते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये रब सिलाई लगा सकते हैं हम, क्योंकि उसके बाद में जब हम दोनों पार्ट्स को जोड़ेंगे ऊपर और नीचे वाले को, तो हमारे ये जो हम यहाँ पर डिज़ाइन के लिए लगा रहे हैं पट्टियाँ, ये हमारी ऊपर नीचे ना हो। और इसी तरह से हम यहाँ पर दूसरी वाली साइड को भी इसी तरह से फोल्ड करके सिलेंगे। तो ये हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम यहाँ पर आगे पीछे दोनों पर्दों की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर पीछे वाली कॉर्नर से पकड़ते हुए हम यहाँ पर इसको इस तरह से सीधा पकड़ लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब देखिए, हमने पहले सिल लिया था उसको, तो हमारी जो सिलाई है वो बहुत आसान हो गई है इसमें। और यहाँ पर हमने दोनों साइड को सिल लिया है। अब देखिए, यहाँ पर हम जो हमारी स्लीव हैं उनकी हमने पहले कटिंग नहीं की थी, तो यहाँ पर हम निशान लगाते हैं इस तरह से गुलाई देते हुए, और इसके जो आगे वाले पार्ट्स हैं इनको पकड़ते हुए हम इस पर कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है अब इसकी। अब देखिए, हम यहाँ पर जो मोहरी है बाजू की उसके आगे वाली साइड में सिलाई लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा इंच रखा था, तो इसको सिंगल फोल्ड करके ही सिलाई लगाई है। आप ज़्यादा रखें और रख सकते हैं, और उसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो स्वेटर वगैरह की तरह आगे से एक्स्ट्रा कपड़ा भी जोड़ सकते हैं लेंथ को कम करके। और इस तरह से मैं यहाँ पर दूसरी बाजू को भी सिल लूँगी। तो देखिए, ये सिलाई हमारी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इसको अटैच करेंगे टॉप में। तो यहाँ पर इसको हम पहले फोल्ड कर लेते हैं और ऊपर से सेंटर का निशान लगा लेंगे। अब हमने यहाँ पर टॉप का जो मीडियम था सिलाई का उसको, और जो बाजू है उसके सेंटर को हमने यहाँ पर पकड़ा और पिन अप कर लिया है। इसी तरह से हम पूरी जो स्लीव है उन दोनों पार्ट्स को पकड़कर इस तरह से पिन अप कर लेंगे ताकि हमारी सिलाई अच्छे से हो जाए। और अब यहाँ पर देखिए, पिन अप करते हुए जाएंगे हम। तो ये पिनअप मैंने कर लिया है, और इसके बाद में अब हम यहाँ पर किनारे से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इसमें,
और जो हमारी पिन है इनको हम साथ साथ निकालते हुए जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इसमें। और फ्रेंड्स इसी तरह से हम देखिए दूसरी स्लीव है उसको भी अटैच कर लेते हैं। तो ये मैंने दोनों स्लीव्स हैं उनको अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर इसके बाद में हम यहाँ पर जो साइड की सिलाई है उसको लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने उसको पकड़ लिया है दोनों पार्ट्स को एक साथ मिलाते हुए, और जो हमने निशान लगाए थे उन्हीं के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अगर आप को थोड़ा लूज़ हो जाता है तो आप दूसरी सिलाई भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जो फैब्रिक है वो स्ट्रेचेबल होते हैं तो थोड़ा लूज़ भी हो जाते हैं। तो देखिए हमने अभी यहाँ पर सिलाई लगा ली है ये ऊपर से नीचे तक। और इसके बाद हमारी जो कॉलर की जो लगाने हैं, हमें कॉलर लगाने के लिए हम पहले मेज़रमेंट लेंगे। और अब हम यहाँ पर इस कॉर्नर से और ऊपर जो हमारी तीरे तक सिलाई है उसको नापेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से पकड़ते हुए और यहाँ पर मेज़र कर लेते हैं तो ये हमारा 6 इंच आता है। और इसी तरह से दूसरे वाले को भी नापते हैं तो ये भी हमारा 6 इंच ही आना चाहिए। तो ये हमारे दोनों 6 इंच हो गए हैं। अब देखिए हम ऊपर वाली साइड से मेज़र कर लेते हैं। आप चाहें तो इन्हें एक साथ पकड़कर भी मेज़र कर सकते हैं। तो ये हमारा 8 इंच है तो टोटल हमारा हो जाता है यहाँ पर 20 इंच। तो हम यहाँ पर 10 इंच का निशान लगाएंगे और आधा इंच इसमें हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। और यहाँ पर जो हमारा विड्थ है फैब्रिक का वो हम यहाँ पर 3.5 इंच ले रहे हैं, क्योंकि थोड़े चौड़े वाले कॉलर बना रहे हैं हम। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद में हम यहाँ पर इसको मिलाएंगे और इनकी कटिंग करेंगे फिर। तो हमने मिला लिया है और इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके निकाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने डबल फोल्ड में 3.5 इंच का फैब्रिक जो लिया था, अब इसको मैं ऊपर की साइड से हल्की सी गुलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पर 1/2 इंच की गुलाई हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। तो देखिए ये कॉर्नर हमारे इस तरह से हमने बहुत ही लाइट यानी 1/2 इंच ही कट किए हैं। और अब हम यहाँ पर सेंटर पर निशान लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर एक मीडियम में जो निशान लगा लिया है। अब हमें इनमें से एक साइड की सिलाई करनी है। तो देखिए यहाँ पर 1/2 इंच की सिलाई करेंगे हम, और दूसरी साइड को हमें टॉप में सिलना है तो उसमें सिलाई नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड में इस तरह से बराबर निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पर 1/2 इंच इसको रखकर सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको फिर से फोल्ड करते हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद में दोनों साइड हैं उनकी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर ये सिलाई हम इसी तरह से दूसरी साइड में भी लगा लेंगे, क्योंकि हमने एक साइड से इसको सिल लिया है तो हमारी दोनों साइड मतलब ऊंची नीची हो जाएंगी। तो देखिए अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से सीधा करेंगे। और सीधा करने के बाद में हम यहाँ पर इसमें एक रफ़ सिलाई लगाएंगे बीच में से, ताकि जब हम इसको सिलें तो हमारे पार्ट्स हैं ये आगे ऊपर नीचे की तरफ ना जाएं। तो यहाँ पर इस तरह से जो हमने टॉप में भी सेंटर पर निशान लगा लिया है वहाँ पर इसको मिलाएंगे और पिनअप कर लेंगे। अब यहाँ से फिर से हम इनको पिनअप करेंगे ताकि हमारा फैब्रिक है ऊपर नीचे ना जाए। तो इस तरह से मैंने पिनअप कर लिया है और अब इसको हम मिलाते अब इनकी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से हमने दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए पिनअप किया था उसी के ऊपर हम यहाँ पर अब सिलाई लगा लेंगे। और बैक साइड से भी हमने ऊपर से कट नहीं किया था तो वहाँ से हमने एक्स्ट्रा लिया था इसको। और सिलाई लगाने के बाद में अब हम यहाँ पर इसको सीधी साइड से करेंगे और जो भी हमारा एक्स्ट्रा जो कपड़ा था पीछे वाली साइड से उसको अंदर करते हुए हमने इसको सिल लेना है। ये सिलाई हम यहाँ पर कॉर्नर्स पर लगाते हुए जाएंगे बिल्कुल, और हमारी अच्छे से फिनिशिंग आनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जब कॉलर पर अलग से सिलाई दिखाई देती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। अब हमारे कॉलर रेडी हो चुके हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 2.5 इंच डबल फोल्ड में मैं यहाँ पर फैब्रिक ले रही हूँ। और इसकी जो लेंथ है फ्रेंड्स वो हम लास्टिक की तरह यूज़ करेंगे। जिस तरह से हम लास्टिक को खींच कर लगाते हैं उसी तरह से हम इस वाले फैब्रिक को लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए
अब यहाँ पर जो नीचे वाली साइड है इसको आप चाहें तो यहीं पर फोल्ड करके लगा सकते हैं, या फिर जिस तरह से स्वेटर में होते हैं नीचे से अलग किनारी लगी हुई होती है उसमें, उसको हम इस तरह से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उसी तरह से इसको लगा रही हूँ। तो देखिए मैं इसको उल्टी साइड से लगाऊँगी यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से पकड़ते हुए हम यहाँ पर सिलेंगे, और जो हमारा जो टॉप है उस वाले फैब्रिक को तो हम खींचेंगे नहीं, और जो मैं ये एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक लगा रही हूँ इसको हम यहाँ पर इस तरह से खींचते हुए लगाएंगे। इसका लुक हमारा जो स्वेटर होते हैं उनकी तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी लगा रहे हैं सिर्फ इसको खींचना है, नीचे वाली टॉप है जो उसके कपड़े को हमको नहीं खींचना है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर इससे हल्के हाथ से प्रेस करते हुए हमको इस तरह से सिलते हुए जाना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ये आएगा हमारा, और इसका लुक और भी अच्छा हो गया है। अब हम इस पर नीचे से डबल सिलाई लगा देंगे। अब हम यहाँ पर देखिए जो हमने एक्स्ट्रा में ये लगाई थी पट्टियाँ, इनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इनको इस तरह से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने दोनों को इस तरह से फोल्ड किया, और यहाँ पर सेंटर में आप कोई या तो बटन लगा सकते हैं या कोई ब्रॉच वगैरह जो भी आपके पास हो वो आप इस पर फिक्स कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से अगर ये लगा के दिखाती हूँ तो इस तरह से भी ये लग जाएगा, और दूसरा मैं यहाँ पर ब्रॉच लगा कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप ब्रॉच को तो आप कभी भी पिनअप कर सकते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से हम ले सकते हैं, और या फिर आप इसको मोड़ना ना चाहें तो यहाँ पर सिंगल इस तरह से भी लगा सकते हैं, और इसके ऊपर भी आप कोई बटन या कुछ भी ऐसी डेकोरेशन की कोई भी चीज़ है वो यूज़ कर सकते हैं, चाहे ब्रॉच हो या बटन हो या फिर कोई और चीज़ भी आपके पास है। तो देखिए इस तरह से, या फिर आप इसको सबसे सिंपल है नॉट लगाकर इस तरह से भी लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरा डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।